26 अप्रैल दोस्तों मंगलवार का दिन है और मॉर्निंग में 11:19 का टाइम हो रहा है। ये जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है इसकी इमेज जस्ट अभी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे 2 मिनट पहले शेयर कर दी थी दोस्तों, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है। आज गैप अप ओपनिंग हुई है बैंक निफ्टी की, और यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, इस एरिया में भी उसने सपोर्ट लेके अभी ये ऊपर जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है उसको काटने के चक्कर में बैंक निफ्टी नज़र आ रही है। बारीकी से देखोगे तो पहले ये सपोर्ट का जोन था, उसको यहाँ पे ब्रेक किया था बैंक निफ्टी ने और वो रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन अभी वो थर्ड टाइम जब आया है तो रेसिस्टेंस की तरह एक्ट न करते हुए मेरा ये मानना है कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के चक्कर में वो आया हुआ है। सो यहाँ पे हम कॉल्स को बाय करने वाले हैं दोस्तों। सो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आएगी 36,400 की स्ट्राइक प्राइस ठीक रहनी चाहिए। ऐड कर लेते हैं हम हमारे स्क्रीन पे 200 क्वांटिटीज हमेशा की तरह हम बाय करेंगे, जिसके लिए 75-76,000 के आसपास का मार्जिन लगने वाला है। देखो इसने ब्रेकआउट कर भी दिया है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ रहा है। एक बार रिटेस्ट होने देते हैं इसको, हम रेडी बैठे हैं, जैसे ही रिटेस्ट करने आएगा हम हमारी एंट्री एग्जीक्यूट कर लेंगे दोस्तों। देखो कितना अच्छा और बढ़िया कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट के आसपास आ रहा है। तब तक हम अभी हमारा ट्रेड का भी प्लान कर लेते, बारीकी से और ध्यान से देखना दोस्तों कि मैं एंट्री कैसे करता हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाता हूँ, टारगेट का प्लानिंग कैसे करता हूँ, ताकि आप जब ट्रेड करो तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टारगेट ये वाला जोन जो है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक रहेगा, है ना दोस्तों। ये वाले जोन में हम टारगेट का प्लान करेंगे, और स्टॉप लॉस की अगर मैं बातें करूँ तो ब्रेकआउट के हल्का सा नीचे, मतलब यहाँ पे कहीं पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं विदाउट टेंशन। सो ये वाला जोन जो है वो हमारा स्टॉप लॉस का जोन रहने वाला है दोस्तों। देखो काफ़ी अच्छी मोमेंटम आई तो है यहाँ पे, ये सेकंड कैंडल की स्टार्टिंग हुई है, बस हमारे एंट्री लाइन को उसने एक बार टच कर देना चाहिए, क्विकली हम मार्केट रेट पे अपना सौदा एग्जीक्यूट कर लेंगे दोस्तों। देखो ये रेसिस्टेंस था, जैसे ये घूम के नीचे आएगा इसकी हाई एक्सपेक्टेशन है कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लेट्स वेट दोस्तों, हम पेशेंटली वेट करेंगे हमारी एंट्री के तक वो आने देते हैं पहले हम। सो ये देखो 200 क्वांटिटीज में रेडी बैठा हूँ यहाँ पे, लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो हमारे एंट्री को एक बार ट्रिगर करने आए और क्विकली हम वहाँ पे हैमर करके हमारा मतलब कॉल साइड का जो सौदा है उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। हमें पेशेंटली वेट करना होगा दोस्तों। देखो ब्रेकआउट होने के बाद काफ़ी सारे लोग फटाफट मतलब जो मार्केट रेट पे जो महंगी चीज़ें उसको बाय करने की कोशिश करते हैं, बाद में वो नीचे आता है जब रिटेस्ट करने तो वहाँ पे उनको स्क्रीन पे लॉस दिखाई देता है और वो डर के मारे वहाँ पे एग्जिट ले लेते हैं। बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है दोस्तों, हमने ट्रेड का प्लान करके रखा है, सारी चीज़ें स्क्रीन पे अपने सामने है, पेशेंटली वेट करो, जब वो एंट्री को टच करेगा तभी हमें ट्रेड करना है, अदरवाइज हम इस ट्रेड को आज इग्नोर भी कर देंगे अगर ये एंट्री के पास नहीं आता है ना। क्योंकि देखो मोमेंटम अच्छी दिखाई दे रही है टारगेट की ओर, वो बढ़ भी रहा है, देखो कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा है, तो अगर इसने मुझे एंट्री को टच नहीं किया तो मैं ये ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करूंगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको भी सीखनी है दोस्तों जब आप खुद ट्रेड करते हो। देखो कितनी अच्छी मोमेंटम आ रही है बैंक निफ्टी में, लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी। दोस्तों अपना टारगेट तो अचीव यहाँ पे हो चुका है, बट बैंक निफ्टी ने हमें आज के दिन एंट्री करने का मौका नहीं दिया। सो क्या मतलब यहाँ पे करना चाहिए, वी वॉन्ट ट्रेड नाउ। देखो यहाँ तक वो नीचे आया हुआ था लेकिन हमारी एंट्री लाइन कहीं पे यहाँ पे थी, उसने ट्रिगर नहीं किया, सो हमने ट्रेड नहीं किया दोस्तों। नाउ वी विल वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। दोस्तों 26 अप्रैल ही है, थोड़ी देर पहले हमें मौका नहीं मिला था बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का, लेकिन अभी देखो 12:14 हो रहा है और एग्जैक्टली जो पहले रेसिस्टेंस हुआ कर रहे थे ना वहाँ पे ही वो सपोर्ट लेने की संभावना मुझे नज़र आ रही है। लेकिन अब की बार हम 100 पॉइंट और अंदर जाएंगे और 36,300 की कॉल को हम बाय करने वाले हैं दोस्तों। अभी उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में मतलब एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने स्ट्राइक प्राइस क्यों मतलब डिफरेंट चूज़ की इस वक्त। यहाँ पर हम कहीं पर टारगेट का प्लानिंग कर सकते हो दोस्तों, है ना, और ब्रेकआउट कहां पे हुआ था बिल्कुल उसका एक कैंडल नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। तो 510 के आसपास अगर हमारी एंट्री होती है तो 5,476 मतलब कुल 25 पॉइंट्स का स्पॉट के चार्ट पे हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है दोस्तों। लेकिन अभी एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना स्कैल्पिंग में या फिर किसी भी ट्रेड में, वो होती है आपकी एंट्री दोस्तों। सो अभी तो ये ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन चल रही है, एंट्री की लाइन यहाँ पे कहीं पे हमारी होनी चाहिए दोस्तों। और देखो उसने ट्रिगर कर भी दी हमारी एंट्री, रेड कैंडल फॉर्मेशन में आया है वो, अभी 428.94 पे हमें माल मिला है।
ठीक है, 1-2 रुपया थोड़ा ऊपर ही मिल गया, बट नथिंग टू वरी दोस्तों। और टारगेट की अगर मैं बातें करूँ तो 15 पॉइंट मतलब 444 ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। चलो लगा ही देते हैं आज ऑर्डर 444, क्योंकि इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है वहाँ से वो सपोर्ट लेना ही वाला है। ऑर्डर मैंने डाल दिया है ऑलरेडी सिस्टम में, देखो ऑर्डर मतलब डालने के बाद अच्छा मोमेंटम भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, 500-700 रुपये का प्रॉफिट में हमारा ये ट्रेड चल रहा है। देखते दोस्तों आगे जाके मतलब ये ट्रेड अभी अपना कैसे परफॉर्म करता है। करंटली देखा जाए तो 700 रुपीज़ के प्रॉफिट में ये ट्रेड हमारा चल रहा है, 432-433 के आसपास बैंक निफ्टी का जो 36,300 का कॉल है वो ट्रेड कर रहा है। आई होप दोस्तों आपको सच में नया कुछ सीखने मिल रहा है। देखो पहली बार मैंने एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर करके रखी हुई थी, मेरे आंखों के सामने बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चली गई, लेकिन मैंने हड़बड़ी में वहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं करी, क्योंकि जो हमारा रूल है एंट्री का वो वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सो आपको भी ना खुद जब आप ट्रेड करोगे तो आपको भी ये सारी चीज़ें करने के लिए आना चाहिए, इसी को साइकोलॉजी बोला जाता है। देखो जो चार्ट आप देख रहे हो वही चार्ट मुझे भी दिखाई दे रहा है, वही चार्ट FIs को भी दिखाई दे रहा है, वही चार्ट DIs को भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि आप जो दिख रहा है चीजों को उसके ऊपर कैसे एक्ट करते हो ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो दोस्तों ये आया हुआ है 440 के आसपास, क्विकली विद इन एन मिनट ही अपना टारगेट दे देना चाहिए। 442 तो उसने स्क्रीन पे दिखा ही दिया है, 2 पॉइंट और दूर है हम हमारे टारगेट से, और इसने अपना टारगेट भी अचीव कर दिया है दोस्तों। ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, एक मिनट मुझे रिफ्रेश करना होगा। हाँ चलो, आई थॉट कि हमारा मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है ऑर्डर हमारी हाँ जा चुकी है। देखो कितने मिनट के अंदर हमारा ट्रेड खत्म हुआ, कुल 2-2.5 मिनट के अंदर हमारा ये ट्रेड खत्म हुआ है दोस्तों। 428.94 पे हमारी एंट्री हुई थी, तो 86,000 मान के चलो इसको आप, और प्रॉफिट हुआ है हमें 3,000 का। सो 3,000 डिवाइडेड बाय 86,000 जो हमारा कैपिटल डिप्लॉय हुआ था, इनटू हमें 100 करना होता है, तो हमारा परसेंटेज ऑफ रिटर्न हमें पता चलेगा। सो डिप्लॉयड कैपिटल पे 3.5% तक का मुनाफा इस वाले ट्रेड से आज के दिन पे हमने बुक किया है दोस्तों। और देखो अपना उसने टारगेट भी आज अचीव कर दिया है, कितना अच्छा मोमेंटम आया। देखो दोस्तों मतलब ये इंपॉर्टेंस होता है ना प्राइस एक्शन का, एग्जैक्टली जहाँ पे हमने एंट्री करी वहीं से बैक टू बैक उसने 150 पॉइंट की एटलीस्ट रैली दिखा दी है, 50 या 70 पॉइंट की। सो मतलब इतना ही सिंपल होता है दोस्तों। देखो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, बाद में उसने यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह ये एक बार यहाँ पे एक बार एक्ट किया, फाइनली जाके उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ था 11:20 के आसपास, जो हमने मिस कर दिया था क्योंकि हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी। फाइनली जाके उसने फिर से उसी एरिया में 1 घंटे के बाद जब बैंक निफ्टी आई तो मैंने वहाँ पे ट्रेड किया और उसका 2 मिनट के अंदर बेनिफिट उठाया था दोस्तों। तो आपको भी ऐसे पेशेंटली वेट करने के लिए आना चाहिए दोस्तों। तो बेसिकली आज जो हमने ट्रेड किया ना दोस्तों, वो एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया हुआ था दोस्तों। जो प्रीवियस रेसिस्टेंस थे वहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला था 11:15 के आसपास, बट हमारी एंट्री ट्रिगर ना होने के कारण वो ऊपर चला गया था, लेकिन 1 घंटे बाद 12:15 वो फिर से उसी जोन को टच करने आया। सो जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था वो अभी क्या कर सकता है, एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। एक काफ़ी सिंपल और बेसिक थ्योरी है दोस्तों, आप कहीं पे भी गूगल करोगे तो आपको पता चल सकती है, और ये वर्क भी करती है, हर एक टाइम फ्रेम पे वर्क करती है, और हर एक स्टॉक के ऊपर, हर एक इंडेक्स के ऊपर, हर एक कमोडिटीज के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर ये वर्क करती है। ये दोस्तों बेसिकली ना प्राइस एक्शन की थ्योरी है, और प्राइस एक्शन मतलब जहाँ पे भी प्राइस इन्वॉल्व होता है सारी के सारी चीज़ों पे ये एज इट इज़ अप्लाई होता है, लागू होता है। आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा खासा मतलब उसका बेनिफिट मिल सकता है। सो मैंने भी वही किया, 12:15 वो फिर से रेसिस्टेंस के पास, सॉरी सपोर्ट के पास आया, मतलब जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था उसके पास आया, तो वो अभी टेक्निकल टर्म्स में सपोर्ट बन सकता है, ये मेरा मानना था। और बिल्कुल उसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस का प्लान किया था, ऊपर टारगेट का प्लानिंग किया था, और 2 से लेकर के 2.5 मिनट के अंदर मैंने 15-16 पॉइंट का अर्निंग किया आप लोगों के सामने, और ट्रेड को क्लोज भी कर दिया था। काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं सर आप 2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर ट्रेड कैसे ख़त्म कर लेते हो, लेकिन दोस्तों आपको देखने के लिए वीडियो में वो 1 या 2 मिनट दिखता है, लेकिन मैं सुबह 9:15 से जब मार्केट खुलता है ना तभी से मैं प्राइस एक्शन देखने की कोशिश किया करता हूँ कि बैंक निफ्टी किस प्रकार ट्रेड किए जा रही है, मतलब भाव क्या बोल रहा है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद 10:15, 10:30 बजे एक कंक्लूजन निकालता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, और फिर जाके मेरा ट्रेड 1 या 2 मिनट में ख़त्म होता है। सो बेसिकली
बेसिकली मतलब मैं भी टाइम का वहाँ पे एफर्ट मुझे देना पड़ता है दोस्तों। सो आई होप आज के वीडियो से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा, और अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। और अगर हाँ आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना। अभी हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।